अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व तालिबीन इकराम, मकतब कुव्वतुल इस्लाम चैनल में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे पहले आप हज़रात ने तकदीर नंबर 17 सबक नंबर 2 पढ़ा है। आज हमारा तकदीर नंबर 18 तशदीद माहु तशदीद है। आइए हम सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकदीर नंबर 18 तशदीद माहु तशदीद। तशदीद माहु तशदीद किसको कहते हैं? तशदीद के साथ भी एक तशदीद, इसको तशदीद माहु तशदीद कहते हैं, यानी दो तशदीदों का एक जगह जमा हो जाना, ठीक है। और आपको तो मालूम ही है तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की शक्ति होती है। आपको ये भी मालूम है तशदीद वाले अर्थ को दो मरतबा पढ़ते हैं, पहली मरतबा पीछे वाले अर्थ से, दूसरी मरतबा खुद से। देखिए हम एक जुमला लिखते हैं, आज के सबक में वही जुमले आएंगे, एक जुमले के अंदर दो तशदीदें जमा होगी। देखो लाम पर तशदीद है, यहाँ पर भी तशदीद है, लाम पर तशदीद है और यहाँ पर भी तशदीद है, तो इसके हिज्जे कैसे होंगे? ऐन लाम ज़ेर इल, लाम या ज़ेर ली, इल ली या वाव पेश यू, इल ली यू नून ज़बर ना, इल ली यू ना। अब देखिए यहाँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको जुदा जुदा भी लिख कर बताता हूँ। देखिए ये लाम को दो मरतबा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, देखिए अभी लिखता हूँ। आइन लाम ज़ेर इल, अब लाम को डबल लिखेंगे, लाम या ज़ेर ली, अब क्या हो गया इल ली। अब देखो वाव मरतबा या, ये वाव या को भी दो मरतबा लिख रहे हैं, या वाव पेश यू नून ज़बर ना, इल ली यू ना। तो देखो ये लाम दो मरतबा लिखी गई और या भी दो मरतबा लिखी गई, तो इज्जे इस तरह हो गए। इज्जे देखिए ऐ लाम ज़ेर इल लाम या ज़ेर ली, इल ली या वाव पेश यू, इल ली यू नून ज़बर ना, इल ली यू ना। तो इस तरह जो है तो इसके इज्जे होते हैं। तो ये ऐन को लाम में मिलाया जा रहा, काय में मिलाया जा रहा, लाम में मिलाया जा रहा, और ये लाम को या में मिलाया जा रहा, और फिर या को वाव के साथ पढ़ा जा रहा, ठीक है। तो तशदीद माहु तशदीद के माना आते हैं एक तशदीद के साथ दूसरी तशदीद का आ जाना, और उसको किस अंदाज से पढ़ाया जाता है, वो किस अंदाज से पढ़े जाते हैं। ये जुमला लिखे हुआ है इल्ली यू ना, जिस पर लाम पर भी तशदीद है और यहाँ पर भी तशदीद है, तो इसके इज्जे इस तरह हो गए जिस तरह मैंने नीचे लिख कर दिखाया हो आपको, जुदा गाना अलग अलग, ठीक है। अब हम जुमले लिखेंगे और एक तालिबा आकर पढ़ाएगी, ठीक है बच्चों। तशदीद माह तशदीद के क्या माना है? तशदीद के साथ एक और तशदीद, यानी दो तशदीदों को किस तरह पढ़ा जाएगा, आज कोई भी तालिबा या तालिबिल्म आकर पढ़ाए, ठीक है। Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تقدي نمبر 18 تقدي نمبر 18 تشديد معه تشديد تشديد معه تشديد عليون عليون يذكر مزمل مدثر